अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान है चेतना गाला सिन्हा, फाउंडर है मन देश महिला सहकारी बैंक के। एंड बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आप जुड़ी हैं चेतना जी। ये मुझे सुनकर ही बड़ा, जब मैंने पढ़ा, बहुत सुकून हुआ किस तरह से कि महिला सहकारी बैंक हमारे ग्रामीण इलाकों में चलता है। आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में गए भी, बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे आपने भागीदारी की। मैम, जो ये हमारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में खाई सी है, खास तौर से महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, उनको बहुत मुश्किल हालात में सामना करना पड़ता है। आप एक बैंकर भी रही हैं, उस हालात से किस तरह से आपको लगता है कि जब हम ये समाज में अपना सामाजिक निवेश करते हैं, एक महिलाओं को मदद भी मिलती है, उनकी जो गरिमा है उनकी इज्जत भी बनी रहती है, और जो शहरों और ग्रामीण इलाकों में जो खाई एक पुल भी बनता है ये। सबसे पहले तो मैं बहुत मैं खुश हूँ कि आज मैं अपने अनुभव यहाँ शेयर करती हूँ, और मैं ये भी खुश हूँ कि आज रंग दे जैसे प्लेटफॉर्म मिला है एनडीटीवी पे। ये बात महिला की बैंक की बात करनी हो, मानदेशी महिला बैंक की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये बैंक कोई बाहर के सपोर्ट से नहीं खड़ी, यहाँ शुरू में जब महिलाएं बचत करना चाहती थी और उनको बचत की कोई उपलब्धि, बैंकों के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बैंकें कह रही थी महिलाओं को कि आप हमारे लिए अफोर्डेबल क्लाइंट नहीं है, तब शुरू में मेरे साथ 15 महिलाएं जुड़ी और कहा कि क्यों नहीं हम अपनी बैंक खड़ी करें। कोई बाहर सपोर्ट नहीं, महिलाओं की पूंजी, महिलाओं की बचत और महिलाओं का कर्ज, ये करके हमने प्रपोजल दिया। किसी ने माना नहीं कि ये पढ़ी लिखी भी नहीं है महिलाएं, इनको लाइसेंस भी मिलेगा, लेकिन हमारी महिलाओं का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। इसी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव में बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि गांव की महिलाएं अगर तय कर लें तो वो अपने विषय पे डटे रहती हैं, और मुझे अभिमान है ये कहने का कि हमारी महिलाओं को आज हमारी महिला बैंक ने लगभग करीबन 25 साल में 400 करोड़ से ज्यादा लोन ली है और उसको रिपे किया है, और मानदेशी फाउंडेशन और बैंक ने मिलकर करीबन 6 लाख महिलाओं को उद्योजक बनाया है। ये ऐसे ही नहीं होता, ये महिलाएं तो स्कूल में भी नहीं गई, इन महिलाओं को कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास वो डटी रही, और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि हमको बाहरी मदद नहीं मिलेगी तब भी हम बैंक खड़ा कर सकते हैं, हम पूंजी लगा सकते हैं, छोटी छोटी पूंजी लाखों महिलाओं ने लगाई। और चेतना जी, now you founded the Mandeshi Foundation and the Mahila Sahakari Bank, and this works towards economic empowerment of rural women. Tell us, from your experience, the sense of accountability that loans like this create, because it's not a handout or a donation, it's a loan. So there's a sense of responsibility. You know, people have to return these funds. It's been given for a purpose, and that purpose has to be fulfilled. So the one thing I would just like to say when I see this, and then when I watched Smita and Ram and Rangde, I know them very well. I strongly believe that when we are delivering the loan, or when the institution which is giving loan, one thing they have to understand is that listen to people, listen to them, make your solution simple. That is another. Create the products based on the cash flows of the poor people. For example, if you want to give a loan to street vendors, you cannot have an EMI. You have to create a loan in such a way that daily repayment is possible. So when the accountability will come, when the person who gives the loan, when the lender has the confidence and trust in the borrower, then the accountability will come. That is one. And the second is that borrower should know that you are going to stand with me, because it's a first time borrowing. It's also not very easy. There can be a problem. But if borrower knows that, then borrower genuinely will come and say that I cannot repay the loan, help me out. And we have to be ready for that also, because it's not a one time solution. No. You have to handholding. And the solution has to be flexible, as you mentioned. You know, loans cannot be of a particular design. The design needs to change to the different context and the type of the borrower. Thank you so much, very much. Thank you so much, ma'am, for being with us today.